अक्टूबर 2022 में पंजाब के भटिंडा में जगह जगह ये पोस्टर्स पेस्ट किए गए, जिनमें ये लिखा था कि 23 अक्टूबर को होटल स्वीट मिलान में जनरल कास्ट की लड़कियों का एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट होने वाला है और जीतने वाली लड़की को मिलेगा एक कनाडा बेस्ड एनआरआई लड़के से शादी करने का मौका। आई नो, लेकिन ये तो बस सिर्फ स्टार्ट है। फाइनल टच, कॉन्फिडेंट ब्राइड, इमेज ऑफ अ परफेक्ट ब्राइड, ये कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो इंडिया के स्मॉल टाउन गर्ल्स में एक एनआरआई या फिर एक अमीर लड़के से शादी करने का मैजिकल शॉर्टकट बन चुका है। एंड सिर्फ लड़कियां ही नहीं, आज इंडिया के लड़के भी एनआरआई वाइफ्स पाने के लिए 40 से 50 लाख की रिवर्स डाउरी तक देने के लिए बिल्कुल रेडी है। यस, रिवर्स डाउरी। हाय गाइस, दिस इज निकिता, और पंजाब में ऐसे ब्यूटी कॉन्टेस्ट होना या फिर एनआरआई लड़कों के लिए एक क्रेज होना, ये कोई नई बात नहीं है। भटिंडा वाले केस में तो इससे पहले कि कॉन्टेस्ट होता, भटिंडा पुलिस ने इसके ऑर्गेनाइजर्स, इन दोनों बाप बेटे को पकड़ लिया। फाइनली इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि ये दोनों एक्चुअली अपने घर के किसी लड़के के लिए एक सुंदर सुशील बहू चाह रहे थे और उन्हें पता था कि कैनडा या फिर एनआरआई जैसे कीवर्ड सुन के पंजाबी लड़कियां इजीली ट्रैप हो जाएंगी। इनफैक्ट पंजाब में तो एक ऑफिशियल स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन भी होता है, मिस वर्ल्ड पंजाबन, जो काफी हद तक डेडिकेटेड होता है उन लड़कियों के लिए जो अगर एनआरआई लड़कों से शादी करके फॉरेन चले जाए तो वो वहां पर जाके अपना पंजाबी कल्चर ना भूले, ये बात को जज करने के लिए। जिसके लिए इसमें अनलाइक अदर ब्यूटी पेजेंट्स ना कोई स्विम सूट होता है और ना ही कोई हील्स होता है। कंटेस्टेंट को जज किया जाता है उनके कल्चरल नॉलेज पे, फोक डांस पे और घरगृहती कामों में, जैसे कि छाछ बनाना, अनाज को छानना वगैरह वगैरह। लेकिन हाँ, अगर देखा जाए तो ये एनआरआई बंदों का क्रेज सिर्फ पंजाब में नहीं, पूरे इंडिया में ही काफी ज्यादा पॉपुलर है और इसीलिए इंडिया में प्री ब्राइडल ग्रूमिंग स्कूल्स का कॉन्सेप्ट भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट प्री वारिक का कहना है कि इंडिया के छोटे बड़े सभी शहरों की लड़कियां आज फिनिशिंग स्कूल्स या फिर ग्रूमिंग स्कूल्स ज्वाइन कर लेती है, जिससे वो खुद को और ज्यादा प्रेजेंटेबल बना सकती है ताकि कोई एनआरआई ग्रूम उनसे शादी करने के लिए तैयार हो जाए। इनफैक्ट मुझे भी रिसर्च करते टाइम ही मालूम पड़ा कि ग्रूमिंग स्कूल्स आज एक फुल फ्लेज्ड इंडस्ट्री बन चुकी है। बेसिकली यहाँ पे कोर्सेज के नाम बड़े ही स्ट्रेटेजिकली उनके टारगेट ऑडियंस के हिसाब से रखे जाते हैं, जैसे कि फाइनल टच, प्री वेडिंग ट्रेनिंग फॉर ब्राइड एंड ग्रूम, अ परफेक्ट ब्राइड वगैरह वगैरह। एंड मोस्टली ज्यादातर लड़कियां अपनी वेडिंग डेट से एक साल पहले से लेकर 3 महीने पहले तक अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर लेती है। अब रही बात फीस की, तो ये 2000 रुपए से 1 लाख तक चली जाती है। इन शॉर्ट, वो अपने क्लाइंट बेस को बहुत अच्छे से समझते हैं। अब इन स्कूल्स में बॉडी लैंग्वेज, हेयर स्टाइलिंग, ड्रेसिंग, कुकिंग के अलावा पार्टीज कैसे होस्ट करनी है, ईमेल्स कैसे लिखना है, यहाँ तक कि इन पार्टीज में हैंडशेक कैसे करना है, ये सब कुछ सिखाया जाता है। बेसिकली हर वो चीज जो एक अच्छे अमीर घराने की परफेक्ट बहू बनने के लिए इम्पोर्टेंट है, इंक्लूडिंग समथिंग एज बेसिक एज कि ब्राइड्स को गुड लिस्नर बनना चाहिए और अपने पॉइंट को अपने इन-लॉज के सामने एकदम डिप्लोमेटिकली कहना चाहिए ताकि वो अपने इन-लॉज को ऑफेंड ना कर ले। जैसे लेट्स से कि लड़की जो है वो डीमोनेटाइजेशन के खिलाफ है पर उसके इन-लॉज डीमोनेटाइजेशन के सपोर्ट में है, तो वो ये बात कैसे रखेगी उनके सामने? उसे कुछ ऐसा कहना होगा कि डीमोनेटाइजेशन करप्शन रोकने के लिए एक अच्छा स्टेप है, पर स्मॉल टाउन बिजनेसेस को हुए लॉस को देख के उसे बहुत बुरा लगा। बेसिकली दिस इज एन ऑलराउंडर ट्रेनिंग फॉर ब्राइड्स, और इसीलिए कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगले 3 सालों में इस इंडस्ट्री की ग्रोथ 50% से बढ़ सकती है, क्योंकि अब तो केवल ब्राइड्स ही नहीं बल्कि 10 में से 2 ग्रूम्स भी इन ग्रूमिंग स्कूल को ज्वाइन करने लगे। यस, अगर आपको लगता है कि एनआरआई या फिर कैनडा सिर्फ लड़कियों को हनी ट्रैप करने वाले वर्ड्स है, तो वेट टिल यू नो मोर अबाउट कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस एंड रिवर्स डाउरी। सो देखो, ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस का कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है। सबसे पहले तो एजेंट 2 लिस्ट बनाता है, एक उन लड़कियों की जो IELTS का एग्जाम क्लियर कर चुकी है और दूसरी उन लड़कियों की जो किसी अमीर फैमिली से है और एब्रॉड शिफ्ट होने का एक इजी रास्ता ढूंढ रही है। फिर वो एजेंट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन करके उन लड़कियों को उनके सूटेबल ग्रूम से मिलवाता है एंड इफ ऑल गोज वेल उनकी शादी करवा दी जाती है। इस शादी की डील भी एकदम स्ट्रेट होती है, ग्रूम की फैमिली लड़के को अब्रॉड भेजने से लेकर उसका रहना, उसका पढ़ाई, सबका खर्चा उठाएगी और बदले में वो लड़की अब्रॉड में सेटल होने के बाद उस लड़के को, मतलब अपने पति को, वहां अपने साथ बुला लेगी, क्योंकि कनाडा में अगर एक का वीजा लग गया तो उसके स्पाउस को भी इजीली वीजा मिल जाता है। अब इस पूरे सिस्टम में एज सच कोई बुराई नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तब हो जाती है जब ये ब्राइड्स रन अवे ब्राइड्स बन जाती है, मतलब अब्रॉड पहुंचते ही नंबर चेंज एंड पार्टनर चेंज। जैसे गुरुजीवन सिंह, जिसने अपनी ब्राइड प्रभजोत को कनाडा भेजने के लिए 30 लाख का खर्चा किया, लेकिन प्रभजोत ने वहां पर पहुंचते ही गुरुजीवन को पहचानने से भी इनकार कर दिया। ऐसे अनगिनत केसेस पंजाबी लड़कों के साथ हो चुके हैं, लेकिन ये पूरा मामला मेनस्ट्रीम न्यूज मीडिया में हाईलाइट में आया 2019 में, जब इसी तरह 24 साल के लवप्रीत सिंह और बेंत कौर के कॉन्ट्रैक्ट मैरिज स्कैम की वजह से लवप्रीत ने आत्महत्या कर ली। सो एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, लवप्रीत की फैमिली ने शादी का पूरा खर्चा उठाया
और टोटल 37 लाख स्पेंड करके बेंत को सक्सेसफुली कनाडा भेज दिया। बट वहां पहुंचते ही बेंत ने धीरे धीरे लवप्रीत के कॉल्स ही उठाना बंद कर दिया। लवप्रीत अगले 1 सालों तक उससे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करता रहा और फाइनली एक रात फ्रस्ट्रेट होकर उसने फर्टिलाइजर पीकर अपनी खुद की जान ही दे दी। पिछले सिर्फ 5 सालों में ऐसे 3600 पंजाबी लड़के ऑफिशियली इन कॉन्ट्रैक्ट मैरिज फ्रॉड्स में अपने 150 करोड़ रुपए गंवा चुके हैं। नाउ जस्ट इमेजिन, अगर लड़कों का ये हाल है तो लड़कियों के साथ क्या हो रहा होगा। आज इंडिया में अबैंडन्ड औरतों की संख्या डिवोर्स औरतों से भी ज्यादा है। इनफैक्ट एमईए का कहना है कि ऑन एन एवरेज एक एनआरआई से वेडेड लड़की हर 8 घंटे पर अपने घर कॉल कर हेल्प मांगती है। लेकिन नहीं, लड़कियों के साथ हो रहे स्कैम्स कॉन्ट्रैक्ट मैरिज स्कैम से हल्के से डिफरेंट है। सी द थिंग इज कि इंडियन लॉ के अनुसार लड़कियों की एनआरआई लड़कों से शादी तो हो जाती है, पर एक बार जब वो लड़का वापस अब्रॉड चला जाता है तो उनमें से काफी या तो वीजा का बहाना मार के लड़की को इंडिया ही छोड़ जाते हैं एंड फिर कभी कॉन्टैक्ट ही नहीं करते। एक बच्चे का सवाल है, उसको भी अपना बाप चाहिए, क्वेश्चन करने लगी है मेरा पापा किधर है, तो मैं उसे रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ कुछ भी। और आगे के अपने भविष्य की भी चिंता होती है कि मेरा तो हुआ, बच्चे का क्या होगा, लेकिन उस बंदे को कोई कुछ फील ही नहीं होता है। या फिर वो लड़की को वहां पर लेके जाकर अबैंडन कर देते हैं फॉरेन कंट्री में। और कुछ केसेस में तो लड़की को एब्रॉड जाकर मालूम पड़ता है कि उसके एनआरआई पति की तो ऑलरेडी शादियां हो चुकी है, वो भी एक नहीं कई सारी। अब प्रॉब्लम ये है कि इंडियन कोर्ट्स की ज्यूरिसडिक्शन यानी कि उनकी पावर इंडिया के अंदर ही काम करती है, बाहर नहीं। मतलब अगर वो एनआरआई इंडिया में है तो उसे सजा मिल सकती है, पर अगर वो एब्रॉड जा चुका है तो उस पर इंडिया के जजमेंट का कोई लीगल असर नहीं पड़ता है, क्योंकि इंडिया में इस बात को लेकर कोई सेंट्रल लॉ है ही नहीं। और इसीलिए इस एनआरआई को बस किसी तरह से बॉर्डर क्रॉस करना है, उसके बाद ही सेफ। एंड इसीलिए इन शादियों को हॉलीडे वेडिंग्स और इन अबैंडन्ड ब्राइड्स को हनीमून ब्राइड्स भी कहा जाता है। लेकिन सवाल आता है कि अगर छोड़ना ही है तो लड़के ने शादी ही क्यों करी है। मोस्ट केसेस में इसका वन वर्ड आंसर है डाउरी, जो ऐसे एनआरआई फ्रॉडस्टर्स के लिए एक बिजनेस मॉडल बन चुका है। प्लान सिंपल है, डाउरी लेके शादी करो, फिर शादी के बाद भी पैसे मांगते रहो, और फिर जैसे ही पैसा आना बंद हो जाए लड़की को छोड़ दो। अगर आप अबैंडन ब्राइड्स के केसेस को ध्यान से स्टडी करोगे ना तो मेजॉरिटी केसेस में आपको एग्जैक्टली यही पैटर्न फॉलो होते हुए दिखेंगे। उदाहरण के तौर पर संदीप कौर का केस लेते हैं, जिसके फादर ने अपनी जमीन गिरवी रख के उसके एनआरआई पति नवीन को टोटल 40 लाख डाउरी दी थी, पर शादी के 15 दिन बाद ही नवीन और 20 लाख के लिए झगड़ा करने लगा। फिर जब नवीन को लगा कि उसके डिमांड्स पूरे नहीं होने वाले हैं तो उसने कौर को हमेशा के लिए छोड़ दी। फाइनली कुछ समय बाद कौर को पता चला कि वो एक्चुअली नवीन की चौथी पत्नी थी, और वो अपने पिछले 3 वाइफ्स के साथ भी ऐसा ही सेम टू सेम करके उनको भी छोड़ चुका था। आई रिपीट, शादी कर लो और जब डाउरी आना बंद हो जाए लड़की को छोड़ दो। देखो चीज ऐसी है ना कि इन फ्रॉडस्टर्स को अच्छे से पता है एनआरआई ये शब्द सुनते ही लड़की वाले इसे वन टाइम अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं, और इसीलिए उसे ग्रैब करने की जल्दी में ज्यादा शक या फिर इन्वेस्टिगेशन नहीं करते और हेंस आसानी से फंस जाते हैं। क्योंकि स्पेसिफिकली अगर पंजाब में देखे तो एनआरआई शादी करने के कई सारे मॉनिटरी बेनिफिट्स तो है, लेकिन अब वहां ये वर्ड एक सॉर्ट ऑफ स्टेटस सिंबल बन चुका है, क्योंकि पंजाबी लड़कों ने काफी पहले से ही फॉरेन कंट्रीज में जाकर अपना बेस एस्टैब्लिश कर लिया है। देखो 1950s में सबसे पहले दोबा गांव के लोग काम ढूंढने के लिए यूके गए थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये लोग काफी ज्यादा इलिटरेट थे, पर फिर भी ये कम्युनिटी फॉरेन में सर्वाइव कर ली। एंड इसके पीछे इनके कई सारे वियर्ड टैक्टिक्स थे। तो सबसे पहले तो वो इतने भी पढ़े लिखे नहीं थे कि वो अपना घर का पता याद रख सके, इसीलिए वो अपने घर पे एक निशान बनाकर जाते थे ताकि जब वो वापस आए तो वो निशान देकर अपने घर को पहचान ले। इसके अलावा वो काफी स्ट्रीट स्मार्ट थे, क्योंकि घर पहुंचने के लिए वो कभी खुद के जेब से पैसा खर्चा नहीं करते थे, उल्टा यूके पुलिस के पास जाकर ये कहते थे कि वो तो कहीं गुम गए, फिर वो पुलिस ही उन्हें फ्री में उनके घर पहुंचा देती थी। एनीवे ये तो इनके कुछ खाली इंटरेस्टिंग टैक्टिक्स थे, लेकिन इस फर्स्ट इमिग्रेटेड बैच ने अपने हार्ड वर्क और स्मार्टनेस से इतना पैसा कमाया कि सिर्फ कुछ ही सालों में दोबा गांव की सूरत ही बदल गई। इनफैक्ट आज भी अगर आप दोबा गांव जाओगे ना तो आपको बड़े बड़े बंगले तो मिल जाएंगे, लेकिन इन सब में ताला पड़ा है क्योंकि ओनर सारे एनआरआईज हैं। इनफैक्ट इस गांव के लिए एनआरआई होना इतना बड़ा स्टेटस सिंबल है कि यहां के कई सारे हेल्थ सेंटर्स का नाम तक एनआरआई हेल्थ सेंटर रख दिया है। हाल ही में क्रेड के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अश्विनी कुमार जब पंजाब में माइग्रेशन पैटर्न स्टडी कर रहे थे तब उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि वो कुछ 133 गांव में गए, लेकिन इनमें से सिर्फ एक ही गांव ऐसा था जिसमें लोगों का कोई भी दूर दूर तक रिलेटिव एब्रॉड से कनेक्टेड नहीं था। नंदा से इसके पंजाब में फैमिली के पास जितनी ज्यादा जमीन होती है उतना ज्यादा उस घर से माइग्रेशन भी होता है। दैट इज द लेवल ऑफ क्रेज ऑफ एनआरआईज इन पंजाब। लेकिन फॉर्चुनेटली इन एनआरआई फ्रॉड्स को टैकल करने के लिए भारत सरकार का एक प्लान है, रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज ऑफ नॉन रेसिडेंट इंडियन बिल, जिससे कि एक एनआरआई को नेसेसरीली अपनी शादी के 30 दिन के अंदर अंदर इंडियन एम्बेसी में रजिस्टर करवा
करवानी ही होगी, फेलिंग विच उसका पासपोर्ट छीन लिया जाएगा। अब क्या ये बिल आपके हिसाब से इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है? आपके जो भी ओपिनियंस है मेरे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करना। लेकिन एक मिनट, क्या आपने कभी सोचा है कि पंजाबी ज्यादातर कनाडा जाना ही प्रेफर क्यों करते? वेल, इस पे हमने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना रखी है, अगर आपको उसको देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करके उसको देख सकते हैं। एंड आई डोंट थिंक ये कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी कॉन्टेस्ट इन पंजाब फॉर NRI ग्रूम्स पे ज्यादा वीडियोस अवेलेबल है, तो प्लीज इसे जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करो। मिलते हैं अगले टाइम। जय हिंद।